थैंक यू सो मच गाइज, आपको हेलोइन का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं ये पिक्चर्स दिखा रही हूँ। इसमें मेरी बेटी 1 साल की है जब उसने हेलोइन मनाया था, और ये पिक्चर्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे पम्पकिंस हैं, आप देख सकते हैं, बहुत छोटी थी, मुझे खुद देख के हैरानी होती है। और इस वीडियो में मेरी बेटी है 2 साल की, और इसने वही स्ट्रॉबेरी कॉस्ट्यूम पहना है। ये कॉस्ट्यूम 2 साल के बच्चे के लिए था, बट वो 1 साल भी, वो 3 साल की हुई तो काम आ गया। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी मॉम। तो अभी मेरी बेटी डे केयर के लिए रेडी हो रही है, तो आज का वीडियो मैंने थोड़ा अलग रखा है, ये कोई व्लॉग नहीं है। मैंने सोचा कि एज अ मदर जो मैं फील करती हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते, वो बड़े हो जाते एक दिन, और उनकी अपनी लाइफ हो जाती है, वो बिज़ी हो जाते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स की इतनी अहमियत नहीं रहती। बट अभी जब छोटे हैं तो उन्हें बस अपने पेरेंट्स के साथ खेलना, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, किसी महंगे खिलौने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी ही वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं दिखा सकूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप अपने बच्चे के साथ खेल सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल के बीच में भी, और उनको भी हेल्प कर सकते हैं उनके ब्रेन और फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट में। छोटे बच्चों के साथ स्पेशली ये दिक्कत ज़रूर आती है कि उनको बहुत कुछ सीखना है, लिखना पढ़ना बहुत कुछ, तो ये फाइन मोटर स्किल्स बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ देखते रहिए। और अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करना लाइफ का सबसे प्रेशियस मोमेंट होता है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो हम रिग्रेट करेंगे इस टाइम को, क्योंकि बचपन कभी उनका लौट कर नहीं आएगा। तो ये ऐसी पहली एक्टिविटी है, ये स्पूनिंग इसे मैं कहती हूँ। इसके लिए आपको 2 ऐसे प्लास्टिक के बोल हों तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो स्टील के बोल भी ले सकते हैं, कांच के बोल ना लें। और साथ में मैंने लिए हैं एक बोल में थोड़े से राइस, ये अनकुक्ड राइस है, आप चाहें तो दाल भी ले सकते हैं। और इस तरह की आपको चाहिए एक स्पून। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को इनक्रेज करें कि ऐसे स्पून से राइस को लेकर दूसरे बोल में डालें। ये एक्टिविटी बहुत ही हेल्पफुल होती है उन छोटे बच्चों के लिए जो अभी अपने हाथ से खाना सीख रहे हैं, या फिर चम्मच का स्पून का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को बहुत जल्दी अपने हाथों से खाना खाने के लिए इनक्रेज करती है। और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं लेट्स से, या फिर आपको और कोई काम कर रहे हैं, और अपने बच्चे को बराबर में बिठा कर उसे ये एक्टिविटी करने दे सकते हैं, और साथ में उसके साथ बात करते रहें तो उसे भी लगेगा कि आप उसके साथ इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है, और इसके लिए आपको कोई महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई बाहर से कुछ लाना है। ये वही सामान है जो आपको बहुत ईजीली अपने घर में मिल जाता है। तो ये मैंने एक्टिविटी बहुत करी अपने बच्ची के साथ जब वो छोटी थी, और साथ में मैं किचन में काम कर रही हूँ तो किचन में एक मैट डाल देती थी और वहाँ पर वो खेलती रहती थी। और नहीं तो मैं अगर लिविंग एरिया में बैठी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, जहाँ भी बैठती थी उसे ये एक्टिविटी करने के लिए एनकरेज करती थी। सेकेंड एक्टिविटी है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छांटना। तो इसके लिए भी हमें एक ऐसी प्लास्टिक का बोल चाहिए जिसमें मैंने यहाँ पे राजमा और छोले लिए हुए हैं। आप कोई भी 2 तरह के बीन्स ले सकते हैं, और इसमें आपको क्या करना है, बच्चे को इनक्रेज करना है एक पर्टिकुलर तरह के बीन्स को अलग अलग सॉर्ट करना, छांटना। तो उसके लिए मैंने ली है ये प्लेट, इसमें आप देख सकते हैं 3 सेक्शन है, तो या फिर आप 2 कटोरियाँ भी ले सकते हैं। तो उसमें आप एक तरफ एक तरह के बीन्स रख दें, दूसरी तरफ दूसरी तरह के, और अपने बच्चे को इनक्रेज करें छांटने के लिए। तो इससे बच्चों को एक तो ब्रेन डेवलपमेंट बहुत हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह की है और वो किस सेक्शन में जानी चाहिए। साथ में वो अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं, तो इससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, उनकी फिंगर्स की और हैंड की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि आगे उनको हेल्पफुल होती हैं चीज़ें पकड़ने में, या फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन में, आगे जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। और अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं
तो आप इस तरह के बीन्स उनके लिए सेफ़ नहीं रहेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे चोक कर जाते हैं, मुंह में ले सकते हैं तो वो चोक कर सकते हैं या फिर नाक में घुस सकता है। तो ऐसे में आप इस तरह के पॉम पॉम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक छोटे बच्चों के लिए ये भी सेफ़ नहीं है। तो आप ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो मैं दो तरह के फ्रूट्स यूज़ करती थी, जैसे कि आप एक सेक्शन आप ऑरेंजेस ले लीजिए और एप्पल्स, और उनको मिक्स कर दीजिए, और फिर आप उन्हें एनकरेज करें कि दोनों तरह के फ्रूट्स को अलग करने के लिए, तो वो बहुत सेफ़ है। और आप ग्रेप्स यूज़ कर सकते हैं दो कलर के, तो उसे भी वो सॉर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये पॉम्पम्स मैंने लिए ही कलरफुल हैं, इनको यूज़ करने से क्या होगा, आप साथ साथ बच्चों को कलर्स भी बता सकते हैं कि कौन सा कलर क्या है, ग्रीन कलर हो गया, पर्पल, जैसे यहाँ पे मैंने पिंक, ये कलर्स लिए हैं, तो बच्चों को उनके नाम भी बताते जाएं उसके साथ। जो थर्ड एक्टिविटी है वो है ट्रेसिंग। तो ये ट्रेसिंग, जैसे कि नाम बताते हैं, आपको किसी चीज़ को ट्रेस करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कोई भी पेपर जो घर में हो। मेरे पास ये कंस्ट्रक्शन पेपर्स रखे हैं तो मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। तो उस पर आप कुछ भी ट्रेस कर दीजिए, जैसे सिंपल कोई लाइन ट्रेस कर दीजिए, कोई शेप, कोई फिगर, कुछ भी। यहाँ पर मैं ये अल्फ़ाबेट ट्रेस करके दिखा रही हूँ आपको। तो आप ये एक पेंसिल से ट्रेस कर दीजिए, और उसके लिए फिर आप बच्चों को इनक्रेज करें कि इस जो लाइन आपने जो ट्रेस करी है, जो फिगर ट्रेस किया है, उसके ऊपर ये कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये अभी आपको इन्हीं चीज़ों से दिखा रही हूँ, मैंने ये छोले लिए हैं। आप बटन्स ले सकते हैं या फिर पॉम पॉम्स ले सकते हैं, या कोई भी घर में किसी भी तरह का ग्रेन रखा है, वो जो भी आपके घर में अवेलेबल है, आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो वो लें और आप उनको एनकरेज करें कि इस तरीके से उसके ऊपर ट्रेस करना है जो आपने लाइन या फिगर बनाया है। तो इससे क्या होगा, ऑफकोर्स इट इज़ अ फाइन मोटर स्किल, इट विल हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट, और साथ साथ आप अपने बच्चों को तरह तरह के शेप्स सिखा सकते हैं। अब जैसे मैं अभी आजकल अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रही हूँ, नंबर्स भी यूज़ करती हूँ, इससे बच्चे नंबर्स बोलना सीख जाते हैं वो, लेकिन पहचानना भी सीख लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, और साथ में टाइम स्पेंड उनका बहुत ईजिली होता है घर में, वरना वो बहुत, मतलब बच्चों को बिज़ी रखना बहुत मुश्किल है। अगर आपके बच्चे डे केयर नहीं जाते हैं, फिर छुट्टी वाला दिन है और वो घर पे हैं, तो वो बहुत शैतानी करते हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है उन्हें इंगेज रखती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि टॉयज़ आप कितने भी महंगे ले आइए, मैं बार बार कहूँगी, वो फिर भी थोड़ी देर खेल के उन चीज़ों को फिर फेंक देते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ कम से कम उनके ब्रेन डेवलपमेंट में काम आती हैं। Purple. Oh, good job, Arvi. No colors. Arvi, you should be sitting on a firm place. Like, you need to keep that on a table. Don't you think so? Okay, tell me, what's that color? Green color. Yeah, good job. That's what color? That's what color? You want red? Yeah. I'm sorry, it's no red. Okay, you can take pink. I'm not take pinky. Yeah, you can put pink color. This is orange. And this one? It's green. What's that? It's O? Yeah, O. So trace it. Put your pom-poms here on O. Okay.
फोर्थ एक्टिविटी है बीडिंग. इसके लिए आपको चाहिए ये पाइप क्लीनर्स और साथ में ये आपको बीड्स चाहिए. और देखिए इन बीड्स में जो छेद हैं वो थोड़े बड़े हैं, आप सिंपल मोती ना लें क्योंकि उनके छेद छोटे होते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. तो इस तरीके से आपको पाइप क्लीनर्स में ये बीड्स पिरोने हैं. तो ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स, हैंड मसल, हैंड आई कोऑर्डिनेशन. तो और ये ऐसी एक्टिविटी है जो आप बहुत ईजिली घर में कर सकते हैं, बहुत ही इनएक्सपेंसिव एक्टिविटी है. और अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है, ये स्ट्रॉ कह रही हूँ, आई मीन ये आपके पास पाइप क्लीनर्स नहीं है, तो आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रॉ नहीं है तो, या फिर स्ट्रॉ बीड्स के अंदर नहीं जा रही हो, थोड़ी मोटी है, तो आप जो घर में इजीली अवेलेबल होता है स्पेगेटी पास्ता, तो वो यूज़ कर सकते हैं. वो भी अगर नहीं है तो आप घर में सीख, जो सीख वाली झाड़ू होती है, तो वो उसमें से सीख यूज़ कर सकते हैं. या फिर आप स्वेटर बुनने के लिए जो सिलाइयाँ यूज़ होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने बच्चों को इस तरह से बीडिंग या थ्रेडिंग, जो भी आप कह सकते हैं इसको, करने का. और साथ में अगर आपके पास ये बीड्स नहीं हैं तो आप चीरियोज़ जो होते हैं सीरियल्स, उनको यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो फिर आप जो पेने पास्ता होता है उसको यूज़ कर सकते हैं. तो आपको अपने आप क्रिएटिव होना पड़ेगा इसके लिए. और देखिए मैंने पाइप क्लीनर को इस तरह से मोड़ के ये ब्रेसलेट बना दिया. तो सेम ऐसा ही ब्रेसलेट मेरी बेटी ने बनाया था, वो मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, उसकी पिक्चर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. तो ये है वो ब्रेसलेट. तो ये एक्टिविटी आप अपने बच्चे के साथ करें. तो ये फिफ्थ एक्टिविटी है हाउ टू यूज़ टोंग्स. तो उसके लिए आपको चाहिए ये बोल, और वही हमने सामान लिया है जो मेरे पास पहले से है, और साथ में मैंने ये प्लकर लिया है. और आप ध्यान रखें कि ये प्लकर जो है वो शार्प ना हो आगे से. आप चिमटा यूज़ कर सकते हैं जो घर में अवेलेबल होता है, या फिर सैलड टोंग्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. तो आपको इनक्रेज करना है बच्चों को इससे, ये आपने ये पम पम्प्स उठाने के लिए, या फिर और भी कोई चीज़ आप उससे उठा सकते हैं, जैसे यहाँ पे चिक पीस में उठा रही हूँ. तो ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के हैंड मसल्स, फिंगर मसल्स के लिए, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए. और इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के हैंड्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं. और देखने में बहुत ईजी लग रही है ये एक्टिविटी, लेकिन बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है. और इससे वो जितना ज़्यादा ये एक्टिविटी करेंगे उतना जल्दी वो लिखना भी सीखते हैं, मतलब अपने हाथों का अच्छे से यूज़ करना सीखते हैं. तो अगर बच्चे, मतलब अगर आप बड़ा टोंग यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से बड़ा वाला टोंग यूज़ कर रहे हैं, चिमटा यूज़ कर रहे हैं लेट्स से, तो उस टाइम पे आप ये छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होंगी उठाना, तो फ्रूट्स उठाने के लिए बोल सकते हैं उन्हें. तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है करने के लिए. प्लकर ही यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा स्टार्टिंग में. तो सिक्स्थ और आज की लास्ट एक्टिविटी जो मैं बता रही हूँ वो है ये कोलैंडर यूज़ करना. तो कोलैंडर मतलब छलनी या स्ट्रेनर. तो आपके घर में इस तरह का स्ट्रेनर मिल जाएगा, और आप इस तरह से पाइप क्लीनर्स को इसमें डालने के लिए उन्हें इनक्रेज करें. अदरवाइज़ अगर आपके पास, मैं फिर से बोलूँगी, अगर ये पाइप क्लीनर्स नहीं है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. आप कोई भी सीख या पास्ता यूज़ कर सकते हैं, पाइप्स यूज़ कर सकते हैं, अगर स्ट्रॉज जो होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है. माय डॉटर लाइक्स टू मेक स्पाइडर आउट ऑफ इट. उसे बहुत मज़ा आता है इस एक्टिविटी में, और उसे मैं बहुत देर तक बिजी रख सकती हूँ. और ये बहुत ही एक बच्चों के लिए बहुत ही इंजॉयमेंट वाला टाइम होता है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत फन एक्टिविटी है उनके लिए. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह की वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो, और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है इसके बारे में भी ज़रूर बताइए. ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जानना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो.